हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग क्लैश विद अली। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने टोटल 500 सब्सक्राइबर का एम किया था और आप देख सकते हो अभी टोटल 700 सब्सक्राइबर हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। सो गाइस, इसी तरह से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करते रहो यार। मैं आपके लिए इसी तरह से कुछ अच्छा पोस्ट करता रहूँगा। और आज की वीडियो में हम टोटल 1000 सब्सक्राइबर का एम रखते हैं। जी हाँ, 1000 सब्सक्राइबर, और हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। आज की वीडियो में हम क्लैन वॉर लीग का, हमारे फर्स्ट वॉर का अटैक शेयर करने वाला हूँ, जहाँ कुछ ऐसे अटैक्स हैं जो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ भी अटैक शुरू होने वाला है। क्वीन चार हॉग अटैक है। यहाँ क्वीन ड्रॉप कर दिया है, साइड में किंग भी आ गया है और किलर जो है वो क्वीन पे सेट हो चुकी है। वॉल ब्रेकर ड्रॉप कर दिया है, वॉल ब्रेकर कई जगह से जा रहा है अंदर, और दो तरफ से पिका और काफ़ी अच्छा पजल बना रहा है। और यहाँ दिख रहा होगा अभी सीसी लूर होगा, ये होगा सीसी लूर, सीसी में एक ड्रैगन लून और विच है। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, पॉइजन डाल दिया है वहाँ पर डेविल ने, और पॉइजन से स्केलेटन सारे मर गए। ये अभी भाई यहाँ एबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा, एबिलिटी सही जगह से एकदम समय पर एबिलिटी यूज़ की है। और एक बेकार बात ये हो चुकी है यहाँ पर कि हीलर एयर डिफेंस में सेट हो गई, यानी एयर डिफेंस हीलर की भाई वाट लगा रहा है। देखना होगा कि कितने जल्दी क्वीन आगे बढ़ पाती है और हीलर भी इसके साथ। यहाँ बाहर तो हो गया भाई एयर डिफेंस से, लेकिन हीलर सारी भर गई, सिर्फ एक हीलर बची है। लेकिन क्वीन भाई काफ़ी अच्छा बंदर बनाया है भाई। 1 o'clock से ऑलमोस्ट, मतलब उसने 5 o'clock तक सारा साफ कर दिया। और यहाँ भाई सबसे मेन गीगा एक्टिवेट हो चुका है, अभी क्वीन मर गई भाई यहाँ। लेकिन बेस काफ़ी अच्छा वैल्यू देख रहे हैं, क्वीन चार से काफ़ी अच्छा वैल्यू मिला है। ये देखना होगा कि हॉक कहाँ तक पहुँचते हैं। तो वार्डन की एबिलिटी भी सही टाइम पे चेंज की है, अभी देखना होगा। अब तक भाई ईगल डाउन नहीं हुआ है अब तक, वो एक टेंशन वाली बात है। लेकिन अभी भी 2 फ्रीज बचा के रखा है, वो देखते हैं 2 फ्रीज भाई सही जगह पर फ्रीज डाला है, सारा फ्रीज कर दिया। और भाई अभी भी एक हिल बचा है, देखते हैं कि, और भाई फ्रीज के साथ हिल भाई सारा बेस क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। अभी हेल हॉकी हेल भी काफ़ी तगड़ा है, लेकिन अभी भी स्केल्टन ने पीछा ही छोड़ा है, लेकिन हो ही जाएगा। और भाई अब हो गया ऑलमोस्ट, अभी जो भाई पूरा ग्रुप बचा है मेजर डाल दिया है, सारा ग्रुप हॉक भाई सारे बल्क में हॉक बचाए हुए। और इस तरह से भाई ये 3 स्टार हो गए हैं। अभी नेक्स्ट देखना होगा कि नेक्स्ट 3 स्टार मारा है भाई नीचे में, एक निसर्ग ने अटैक किया है, काफ़ी वो भी काफ़ी अच्छा अटैक रहा है। और ये डिफेंस सारा मैक्स है, बस वॉल सी है थोड़ी, टाउन हॉल 11 और 10 की वॉल है, बट डिफेंस तगड़ा है। दो तरह से पिका है, बीच में से वॉल ब्रेकर आया है, और अभी बॉलर आ गए हैं, सारा बॉलर एक ही जगह डाल दिया है। हीलर वार्डन सब आ चुका है, अभी देखना होगा कि बॉलर कितना अंदर है भाई। बॉलर बहुत मूडी होता है, से अगर फनेल नहीं किया जाए ठीक से तो भाई बॉलर सारा बाहर चले जाता है। किसी लूर हो चुकी है और ये सही जगह पर फिक्स किया इन्फर्नो को, वरना मल्टीपल इन्फर्नो तो विचेस की जान ले लेता है। लेकिन अभी भी दुविधाएं ख़त्म नहीं हुई है भाई। हीलर बहुत अच्छा काम कर रही है, हीलर सही ट्रूप पर फिक्स हुआ है, लेकिन यहाँ भाई इन्फर्नो ट्रूप की वाट लगा रहा है। और ये वार्डन की एबिलिटी यहाँ पिंच करती है, तो कोई डिफेंस नहीं मरेगा वार्डन की एबिलिटी में।
लेकिन भाई इंफोर्नो बड़ा तकलीफ दे रहा है, सारे विचेस की जान ले लिया उसने। ये टोर्नाडो में फंस चुका है भाई, प्रूफ तो बहुत कम बचा है, लेकिन देखना होगा कि 3 स्टार कैसे किया है बंदे ने। भैया हीरो एबिलिटी अभी भी पड़ी है, और भाई हीलर, भाई 3 स्टार जो अटैक हुआ है ये सारा हीलर की वजह से हुआ है। हीलर का रोल भाई बहुत बड़ा होता है। यहाँ क्वीन ने डाउन कर दिया इन्फर्नो, अभी भी एक इन्फर्नो और 2 एयर डिफेंस बचा है, काफ़ी सारा ट्रूप बचा है अभी भी। देखना होगा कि आगे क्या होता है भाई। वो आइस गोलम को समझ नहीं रहा है भाई, क्योंकि वो क्या फोड़ रहा है वहाँ पर, अकेला ही मेहनत कर रहा है। और यहाँ एयर डिफेंस भाई जान लेगी हीलर की, देखना होगा। वार्डन शायद किंग की एबिलिटी, यहाँ किंग की एबिलिटी भाई वो अच्छा होगा, सही समय पर किंग की एबिलिटी यूज़ कर दिया। वहाँ आइस गोलम भाई घूमने जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है आइस गोलम, वहाँ फंस गया है वो अकेले, कन्फ्यूज़ हो गया भाई वो। और यहाँ अभी देखना होगा कि एबिलिटी, वैसे तो क्वीन की एबिलिटी अब तक पड़ी है और काफ़ी अच्छा रहा वैसे अटैक। भाई लग नहीं रहा था 3 स्टार होगा, लेकिन इसी इन्फर्नो ने सारी तकलीफ दी ट्रूप को, सारा ट्रूप मार डाला, लेकिन आखिर में खुद ही लग गया और भाई 3 स्टार हो गया। It's caught in the crossfire.